हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं दिवाली के लिए DIY डेकोरेशन बनाऊंगी, जिसे आप एज ए रंगोली यूज़ कर सकते हैं और होम डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक के ढक्कन लिए हैं और जो भगवान जी के हम जो चुन्नर चढ़ाते हैं साड़ी, उसी को मैंने यूज़ किया है और इसकी मदद से मैंने होम डेकोर, दिवाली डेकोर, फेस्टिव डेकोर के लिए जो रंगोली या वॉल डेकोर यूज़ करते हैं वो मैंने बनाए हैं। पहले मैंने जो ढक्कन थे उसकी साइज़ के कुछ पीस कट कर लिए हैं और उसे अच्छे से कट करके आप पीछे की तरफ भी थोड़ा लगा सके उस तरह से अपने क्लोथ को कट करें और आप इसे फेविक बॉन्ड की या फेविकॉल की या हॉट ग्लू गन की मदद से चारों ओर कट करके हमारा जो क्लोथ है उसे अच्छे से कट करो और फेविक बॉन्ड या फेविकॉल या हॉट ग्लू गन की मदद से उसे अच्छे से चिपका दो। इस तरह के जो होम डेकोर की आइटम है वो आप लेने जाओगे तो बाज़ार में बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं और हमें अपनी पसंद के तो मिलते ही नहीं हैं। तो आप अपने घर में जो ऐसी माता जी की चुन्नर साड़ी या ऐसा कुछ भी आपके पास कोई भी मटेरियल पड़ा हो तो आप इस तरह का कपड़ा लेके इस तरह की रंगोली या होम डेकोर या वॉल डेकोर बना सकते हैं। आप देख सकते हो ये बनाने में कितना इजी है। इसे चारों ओर से कट करके आप, मैंने फेवी बॉन्ड लिया है उसकी मदद से थोड़ी ही देर में चिपका सकते हो और ये आसानी से चिपक जाता है। इस तरह से जो हमारे मैंने 7 ढक्कन लिए हैं और 7 को मैंने इस तरह से कट करके ढक्कन के ऊपर मैंने एक क्लोथ को चिपका दिया है। आसानी से ये चिपक जाता है और अच्छे से ये आपका बनके रेडी हो जाएगा। इस तरह के प्लास्टिक के ढक्कन को यूज़ करके आप अपने घर को तो डेकोरेट कर ही सकते हो और पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये क्रिएटिविटी अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे और भी वीडियो देखना चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी टाइप के क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और आप भी अपने घर में आने वाले प्लास्टिक कंटेनर और उसके ढक्कन की मदद से कुछ अच्छा सा क्रिएटिव आइटम बनाए और उसकी फ़ोटो मुझे शेयर ज़रूर कीजिए। बनने के बाद ये रंगोली बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। आप देख सकते हो ये कितनी आसानी से मैं इसे चिपका रही हूँ। इस तरह से मैंने सभी ढक्कन के ऊपर एक के बाद एक मैंने इसे चिपका दिया है और सारे को चिपकाने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आपके पास भी कोई भी मटेरियल पड़ा हो तो आप उसकी मदद से इस तरह की सुंदर रंगोली अपने घर को सजाने के लिए बना सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रही है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर दिख रही है। दिवाली में जब मैं इसके आसपास दिए से इसे सजाऊंगी तो ये बहुत ही सुंदर दिखेगी। दूसरा DIY भी मैं प्लास्टिक के ढक्कन की मदद से ही बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 बड़ी साइज़ के ढक्कन लिए हैं और जो मेरे पास चुन्नर पड़ी थी उसका ही मैंने यूज़ किया है। जो मेरा ढक्कन था उसको मैंने कपड़े के ऊपर रखा है और उसकी साइज़ से मैंने उसे कट कर लिया है और जैसे मैंने फर्स्ट DIY में फेवी बॉन्ड की हेल्प से चिपकाया था उसी तरह मैं इसको भी फेवी बॉन्ड की मदद से कपड़े को
मैं प्लास्टिक के ढक्कन के ऊपर चिपका दूंगी। ये जो प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं वो ड्यूरेबल होता है, इसीलिए हमारी जो DIY है वो ख़राब भी नहीं होगी और ये लंबे समय तक ऐसी ही रहेगी और हमारे DIY से बनने वाली वॉल हैंगिंग बहुत ही मजबूत और टिकाऊ बनेगी और हम इसे कभी भी कहीं भी इंडोर या आउटडोर भी इसे यूज़ कर सकेंगे। ये अगर हम कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाएंगे तो हम इसे आउटडोर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर पानी गिरेगा तो कार्डबोर्ड से बनाया हुआ हमारा DIY ख़राब हो जाएगा। और ये प्लास्टिक के ढक्कन की मदद से हम जो DIY बनाएंगे उसके ऊपर बारिश का पानी भी गिरेगा तो ये ख़राब नहीं होएगा और सालों साल ये चलता रहेगा और हमारे घर की शोभा को बढ़ाता रहेगा। तो इस तरह से हम प्लास्टिक के ढक्कन को फेंकेंगे नहीं और इसकी मदद से हम हैंगिंग अच्छा सा एक हैंगिंग बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये भी कितना सुंदर दिख रहा है, बनने के बाद ये भी बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। ये भी अच्छे से मैं चिपका रही हूँ और आप भी इस तरह से अपने ढक्कन के हेल्प से अच्छे अच्छे DIY बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह के हैंगिंग बाज़ार में शायद 150 से 300 रुपये के पैर मिलती है और हम इसे नॉमिनल कॉस्ट में फ्री में ही ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ढक्कन भी फ्री में मिलेंगे और जो हमारी माता जी की भगवान जी की जो चुन्नर होती है वो भी हमें फ्री में ही मिलने वाली है। तो इस तरह से हम इसे फ्री में बनाएंगे। इसके बाद मैंने बाज़ार में से जो लोटस आते हैं वो लेके आई हूँ और थोड़े मोती पल्स है वाइट कलर के उसे लिए है और उसके अंदर मैं 8 से 10 मोती को पिरो के उसके बाद मैं लोटस को सुई धागों से लगा दूंगी और उसके बाद मैं नीचे एक बड़ा वाला पल आता है मोती उसे लगा दूंगी और मेरा एक सुंदर सा वॉल डेकोर हैंगिंग रेडी हो जाएगा। और इसे मैं अपने घर के दरवाजे पर भी लगा सकती हूँ और इसे मैं अपने मंदिर में भी यूज़ कर सकती हूँ। और आप भी इस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं, अपने मंदिर को सजा सकते हैं। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर दिख रहा है, बनने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है और आपके घर की शोभा को 4 चांद लगाने वाला है। और आप अपने मनपसंद कलर के क्लोथ को लेकर इस तरह के बाज़ार में जो 150 से 300 की रुपीस की पैर मिलती है आप नॉमिनल चार्ज में इसे बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। आप देख सकते हो मैंने इसे सुई धागे की मदद से अच्छे से फिट कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे अपने मंदिर के अंदर सजा दिया है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और मेरी रंगोली भी अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आपको ये दोनों में से कोई भी DIY अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।